हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी के जी एस क्वीन। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए घटना चक्र 2021 का पूर्वालोकन लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, वो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड होगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में, जैसा कि आप लोग को ही पता है कि अगर आप लोग कोई भी एग्जाम दिए होंगे तो एराइज किए जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें मैं इसे दो पार्ट में कैटेगराइज करके बतलाऊंगी। अगर मैं एक ही पार्ट में सारा क्वेश्चन को कवर कर देती हूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः अट्रैक्ट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यानी बुद्धिजीवियों को, नगरीय उच्च जातियों को तथा उदार राजवाड़े को। जो निर्धन साधारण लोग थे, साधारण वर्ग के लोग, वे 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक आंदोलन में इंक्लूड नहीं थे। उन्होंने अपना कोई पार्टिसिपेशन यहाँ पर नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कथन और कारण दिए हुए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं और ए सही व्याख्या भी आर की कर रहा है। कथन है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। बिल्कुल सही बात। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार यानी बेस मान जाते थे। दोनों बात सही है। तो चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता यानी वेस्टर्न कल्चर ने प्रभावित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग के जो लोग थे ना, वो जो एजुकेटेड हिंदू थे, उनको वेस्टर्न सभ्यता या वेस्टर्न कल्चर ने काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि शिक्षित मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानववाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नव ज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वासों यानी सुपरस्टिशन, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा आदि को तर्क के तराजों में तौलकर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार किए। नेक्स्ट है कि निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, युग दूत तथा प्रथम आधुनिक पुरुष, ये सब अलग अलग नामों से नवाजा गया है राजा राम मोहन राय जी को। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो अभी जस्ट हुआ, राजा राम मोहन राय को माना जाता है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में राजा राम मोहन राय का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। नेक्स्ट है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। देख लीजिए, अलग अलग नाम थे राजा राम मोहन राय के, सब आप बिल्कुल स्कैन कर लीजिए, अपने माइंड में कैप्चर कर लीजिए। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और उस संस्था का नाम था आत्मीय सभा। जो राजा राम मोहन राय ने तो वैसे अपने जीवन काल के दौरान काफ़ी सारी संस्थाएँ का गठन किया था, बट पहली संस्था थी आत्मीय सभा, जिसका गठन इन्होंने 1815 ईस्वी में किया था। ये जो संस्था थी ना, इसमें हिंदू रिलीजन के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया था। तो चलिए फ्रेंड, ट्वेल्थ है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो अभी जस्ट हुआ है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, ब्रह्म समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। अब आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं फ्रेंड कि पहले इसका जो नाम था ना, वो ब्रह्म समाज नहीं था, ब्रह्म सभा था इसका नाम। बाद में इसका नाम कन्वर्ट होकर ब्रह्म समाज बन जाता है। पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था, पुराना नाम। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, यानी कहा है कि मूर्तियों की पूजा को अवैध माना तथा ईश्वर में अपने विश्वास
आपको जागृत करवाने का यहाँ पर स्रोत प्रदान किया गया है कि ईश्वर में आप बिलीव कीजिए बट मूर्ति पूजा नहीं कीजिए। मूर्ति पूजन का खंडन किया गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा अपने ब्रह्म समाज संस्था में। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 41th BPSC प्री जो 1996 में कंडक्ट करवाया गया था उसमें इसको विवादास्पद क्वेश्चन के घेरे में डाल दिया गया है, क्योंकि कहीं पर भी आप ऑप्शन में नहीं देख सकते हैं 1828, क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने 20 अगस्त 1828 को की थी। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो अभी जस्ट हुआ 20 अगस्त 1828। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, ठीक है ना फ्रेंड, जिसका पहला नाम ब्रह्म समाज था। मैं जस्ट बतला चुकी हूँ कि जब इन्होंने 1828 इसमें इसका निर्माण किया था, गठन किया था इस संस्था का, तो इसने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, ईश्वर में विश्वास करने की परंपरा को चलाया था। आप यहाँ पर से देख सकते हैं राजा राम 1830 में लिखे गए प्रन्यास करण पत्र में उन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य शाश्वत सर्वाधार अपरिवर्त ईश्वर की पूजा है जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। एक नया भवन की न्यास मंडल यानी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को दिया गया जिसमें मूर्ति पूजा तथा बलि देने की जो परमिशन थी वो नहीं थी। राजा राम मोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों में आपसी एकता का सामंजस्य स्थापित करना था और इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना का श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर को प्रदान किया गया। यानी राजा राम मोहन राय की जो ब्रह्म समाज थी उसने ईश्वर में विश्वास करने के लिए लोगों को उत्तेजित किया था, बट उनका कहना था कि ईश्वर में आप बिलीव करते हैं तो अपने हृदय से कीजिए, मन से कीजिए, उसके लिए मूर्ति पूजा करना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट यहाँ पर 17th है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी राजा की उपाधि, ठीक है ना। मुगल बादशाह जो अकबर द्वितीय था उसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। देखिए अकबर द्वितीय के शासनकाल में राजा राम मोहन राय क्या करते हैं कि अकबर द्वितीय अपना दूत के रूप में राजा राम मोहन राय को भेजता है इंग्लैंड, उस समय के जो ब्रिटिश सम्राट थे विलियम चतुर्थ उनके दरबार में 1830 में भेजता है। क्यों भेजता है, ताकि राजा राम मोहन राय विलियम चतुर्थ को कन्विंस कर सकें पेंशन की क्वांटिटी यानी मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करने के लिए। वहीं इंग्लैंड के ब्रिस्टर में ही उनकी मृत्यु हो जाती है 27 सितंबर 1833 को, और आज भी उस पार्टिकुलर इंग्लैंड का जो क्षेत्र है ब्रिस्टल, वहां उनकी समाधि स्थापित की गई है। तो 18th है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है। कई एक बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वो ऐसे कौन से समाज सुधारक थे जिनका समाधि यानी जिनकी मौत इंडिया में नहीं हुई थी, इंडिया से बाहर हुई थी, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, राजा राम मोहन राय। कहां हुई थी, तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक क्षेत्र में। नेक्स्ट 20 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, केवल सेकंड और थर्ड सही है। सेकंड है कि टेबरनेकल ऑफ न्यू इंडिपेंडेंस, इसकी स्थापना की गई थी 24 जनवरी 1868 ईस्वी को केशव चंद्र सेन के द्वारा। थर्ड है कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इसकी भी स्थापना केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 को की थी, बट यहाँ पर फर्स्ट गलत है, चूँकि फर्स्ट दिया गया है कलकत्ता यूनियनिस्ट कमेटी, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय, द्वारका नाथ टैगोर तथा विलियम एडम, ये तीनों व्यक्ति ने मिलकर 1823 में की थी, केशव चंद्र सेन इसमें इंक्लूड नहीं थे। नेक्स्ट है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे ऑप्शन नंबर सी यानी केशव चंद्र सेन। अब आपके दिमाग में एक चीज़ खटक रहा होगा कि अभी मैं जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बतलाई हूँ कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 20 अगस्त 1828 को, बिल्कुल सही बात है। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो राजा राम मोहन राय ने की थी 20 अगस्त 1828 को, तो उसके बाद इसमें देवेंद्रनाथ टैगोर इस संस्था में जुड़ जाते हैं 1843 में, कुछ टाइम बाद केशव चंद्र सेन भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं 1857 में। उसके बाद अब दिन बीतते रहता है, केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच काफ़ी ज़्यादा मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मतभेद हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्रह्म समाज थी वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है और केशव चंद्र सेन ही से अलग होकर अपना अलग से एक संस्था का निर्माण करते हैं जिसका नाम था भारतीय ब्रह्म समाज, और इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने 11 नवंबर 1866 को की थी, ठीक है ना। तो ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 11 नवंबर 1866 को की थी।
तो चलिए फ्रेंड आगे है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद पर। नेक्स्ट 23 है कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था, तो पाश्चात्य शिक्षा यानी वो वेस्टर्न एजुकेशन की पूरी तरह से सपोर्ट में थे राजा राम मोहन राय। हालांकि उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और मूर्ति पूजा ये तीनों के अगेंस्ट में थे, विरोध किया था। नेक्स्ट 24 है कि निम्न में से किसने राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया था, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाचार चंद्रिका। यानी राजा राम मोहन राय के धार्मिक या सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका जो एक मैगजीन थी उसका प्रकाशन शुरू किया था। इससे पूर्व विश्रमवाद कौमुदी के संपादक थे। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी केवल फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट है कि इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था, खंडन किया गया था, बिल्कुल सही बात। और सेकंड है कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा था, ये भी सही है। बट थर्ड कह रहा है कि इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, यानी वेद में कोई त्रुटियां कोई गलतियां नहीं है। यह कथन राजा राम मोहन राय का नहीं था, तो किसका था, तो यह जो कथन था ना फ्रेंड वो स्वामी दयानंद सरस्वती का था। किसका था, स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 26 की तरफ कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद यानी न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना। देखिए रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 1863 में और मौत 1902 में होती है, उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद न्यू हिंदुइज्म के प्रचारक के रूप में उभरे। जब वे शिकागो जाते हैं 1893 में और वहाँ के वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी विश्व धर्म संसद में पार्टिसिपेट करके अपना सुप्रसिद्ध भाषण देते हैं, इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार इंडियन संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद नव हिंदुवाद यानी न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में कब भाग लिया था, तो 1893 में। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था, तो विवादास्पद क्वेश्चन के घेरे में रख दिया गया चूंकि उन्होंने अपना भाषण दिया था 1893 में, 1893 में, और कहीं पर भी ऑप्शन आप देख सकते हैं 1893 लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट 29 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो स्वामी विवेकानंद जी का। नेक्स्ट 30 है कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, तो 1893 में। नेक्स्ट इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में पार्टिसिपेट किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर डी यानी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद प्रैक्टिकल वेदांत यानी व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक थे। विवेकानंद के अकॉर्डिंग एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सकें। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण लंदन में 10 नवंबर 1896 को दिया था। नेक्स्ट 33 है कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग ये तीनों पुस्तकें लिखी हैं, तो ये तीनों प्रसिद्ध पुस्तकें स्वामी विवेकानंद जी की लिखी हुई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1893 ईस्वी में जब वे शिकागो गए थे और वहाँ पर जब उन्होंने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, फिर 1897 ईस्वी में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो अभी जस्ट हुआ है कि 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने, और इसकी जो हेडक्वार्टर उन्होंने यानी मुख्यालय स्थापित की थी वो कोलकाता के बेलूर नामक स्थान पर खोला था। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी, तो विवेकानंद ने। नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, वो वर्ष बताना है, तो 1897। नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 में। नेक्स्ट शारदा मणि कौन थी, तो देखिए रामकृष्ण परमहंस की वाइफ थी, यानी सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि स्वामी विवेकानंद की गुरु माँ थी, यानी इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस और उनकी वो वाइफ थी शारदा मणि, ठीक है ना। शारदा मणि का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था।
40 है कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर भी बहुत सारे काम हैं। उपयुक्त कथन किसका था? तो ये कथन था स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर था। देखिए ईश्वर के बारे में उनमें वो बिलीव करते हैं या नहीं, जब इनसे एक बार ये प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने जवाब दिया था स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर भी बहुत सारे काम शेष हैं। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कथन था सिस्टर निवेदिता का। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज था आर्य समाज और इसकी स्थापना उन्होंने अप्रैल 1875 ईस्वी में 1875 में मुंबई में की थी और इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था उसके जस्ट 2 साल बाद यानी 1877 ईस्वी में लाहौर में। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष अभी जस्ट हुआ कि अप्रैल 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के जरिए। नेक्स्ट है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। अब देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ना वो वेद में जो 4 वेद हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद ये वेद में पूरी तरह से इनमें बिलीव करते थे। उनका कहना था कि वेद जो है ना वो त्रुटिहीन है, वेद में किसी प्रकार की भी कोई गलतियाँ नहीं है। अगर हम लोग अपनी दिनचर्या में वेदों को लाते हैं, वेदों जो जो बातें लिखी गई उनका पालन करते हैं तो हमारा जो समाज है संस्कृति है काफ़ी हद तक ऊपर की ओर बढ़ेगा, यही कहना था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। और इसीलिए उन्होंने उनका एक प्रसिद्ध नारा भी है वेदों की ओर लौटो यानी सब लोग वेदों की ओर चलो, ऐसा नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ही था। नेक्स्ट, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? अभी मैं जस्ट बतला चुकी हूँ स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन का नाम यानी मूल नाम समझ लीजिए तो वो मूल शंकर था, जिनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत यानी काठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की थी। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में मुंबई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश जिसमें वर्णित थे। उनकी बहुत सारी अन्य पुस्तकें भी आप नोट कर सकते हैं, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन। बस ये सब में से इंस्पाइट ऑफ दिस इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और फेमस पुस्तक उनकी रही है वो सत्यार्थ प्रकाश ही रही है। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट, सॉरी फ्रेंड ऑप्शन नंबर ई, इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ई यानी इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है ना। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की यह रचना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी यानी स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो आर्य समाज ने। अब देखिए शुद्धि आंदोलन क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की थी? तो मुंबई में की थी। वैसे लोग जो मतलब कि धर्म परिवर्तित कर रहे थे, बहुत सारे हिंदू थे जो अलग अलग धर्म को अपना रहे थे, तो इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती के जरिए शुद्धि आंदोलन चलाया जाता है। नेक्स्ट 54 है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण हैं, तो आप बतलाइएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 54 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी है यानी ए तथा आर दोनों सही है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, बिल्कुल सही है। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया, तो ये बात भी सही थी।
नेक्स्ट 55 है कि निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थान पर नहीं है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन था। इनका कहना था कि बुरे से बुरा देसी राज्य भी अच्छे से अच्छे देसी राज्य से अच्छा होता है। तो अगर हम लोग विदेशी को छोड़े अपना स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी राज्य को अपनाएं, तो वे ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट 56 है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था, तो ऑप्शन नंबर बी यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी तुलसीदास की काल जो है वो 16वीं शताब्दी की है। राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 1772 में, मृत्यु 1833 में हुई थी। दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 तथा स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक थे महादेव गोविंद रनाडे। अब देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अब बोलिएगा आके आप, तो यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ ही नहीं आत्माराम पांडुरंग, बिल्कुल सही फ्रेंड, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ आत्मारंग पांडुरंग, इसलिए अभी आप आगे पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा। तो इस समाज में ना महादेव गोविंद रनाडे इससे इंक्लूड हो जाते हैं, इसमें जुड़ जाते हैं 1869 में, और फिर वो यहाँ से इनके मुख्य संचालक बन जाते हैं। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से जो आत्मारंग पांडुरंग ने स्थापित किया था प्रार्थना समाज 1867 में मुंबई में, तो आत्मारंग पांडुरंग नहीं है ऑप्शन में, जिसलिए दूसरा ऑप्शन को प्राथमिकता यहाँ पर महादेव गोविंद रनाडे को ऑप्शन डी करेक्ट होकर हो रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने प्रार्थना में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर आत्मारंग पांडुरंग है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। पहली वरीयता आत्मारंग पांडुरंग को ही दी जाती क्योंकि एग्जैक्ट में उन्हीं ने की थी, हालांकि कुछ टाइम बाद महादेव गोविंद रनाडे इसमें इंक्लूड होकर उसके मुख्य संचालक के तौर पर काम जरूर करने लगते हैं, बट स्थापना किया था अब देख ही सकते हैं किसने स्थापित किया था, तो वो आप लोगों को पता ही है कि आत्मारंग पांडुरंग ने। नेक्स्ट प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्मारंग पांडुरंग। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके एक नए पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।